प्रयागराज और उसके आसपास आज संयुक्त मोर्चे द्वारा रेल रोको आंदोलन पर प्रशासन की शक्ति भारी पड़ी। लगातार संयुक्त मोर्चा में लगे किसान यूनियनों एवं संगठनों द्वारा कई जगहों पर रेल रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पहले से तैयार प्रशासनिक अमला इनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। जहां प्रयागराज के झलवा स्थित टिकेट पार्क से संयुक्त मोर्चा के आंदोलनकारी किसान नेता अपने समर्थकों के साथ निकले तो उनको शंभुनाथ चौराहे के आगे जाने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज जंक्शन और उसके आसपास के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त किसान मोर्चा के कई पदाधिकारियों द्वारा रेल रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें हंडिया खास में पवन एक्सप्रेस के आगे किसानों द्वारा रेल रोकने का प्रयास किया गया, जिसे प्रशासन के सख्त लगाई की वजह से रोक लिया गया। वहीं बरियाराम स्टेशन पर घंटों से जमे हैं किसान नेताओं को प्रशासन ने किसी भी प्रकार से रेल पटरी पर आने नहीं दिया और ज्ञापन लेकर सख्त रवैया से उन्हें वापस कर दिया। इस विषय पर जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मीना ने बताया कि दिल्ली से हावड़ा रूट पर कानपुर से मुगलसराय के बीच जीआरपी प्रयागराज परिक्षेत्र द्वारा सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। रेलवे पुलिस फोर्स एवं स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय जिला पुलिस फोर्स की सहायता से पहले से ही सभी उचित व्यवस्था कर ली गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष समीर शुक्ला का आरोप है कि प्रशासन जहां एक और किसान नेताओं को बुलाकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में से 90% से ज्यादा लोगों को नजरबंद कर दिया, जबकि हमारी साफ मांग थी कि हम कुछ देर के लिए रेल पथ को अवरोध करके सरकार को हमारी मंशा एवं मांगों से अवगत कराएंगे, लेकिन समय से पहले ही हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर देने से आंदोलन का रूप थोड़ा नरम हो गया। लेकिन भारतीय किसान यूनियन एवं इसको समर्थन देने वाले सभी संयुक्त मोर्चा के दलों को इस बात की खुशी है कि इसके बावजूद हम सभी ने आज इस आंदोलन को शांतिपूर्वक पूरा किया है। किसान को शायद बाहर समझते हैं, लेकिन अगर हमने ज्ञापन दिया था तो पढ़े लिखे महोदय को दिया था, इसलिए महोदय पढ़े लिखे होते हैं कि अनपढ़। आप पढ़े लिखे हैं ना, और हमने ज्ञापन किसको दिया, अपनी समस्या किसको सुनाई? देखिए, जो आह्वान है आज रेल रोको का, उसके क्रम में आज हमारे द्वारा समस्त स्टेशनों पर पुलिस बल लगाया गया है। जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनके भी जवान लगे हैं, तो ज्वाइंट ड्यूटी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी अनुरोध किया गया, उनके द्वारा भी स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक्स पर ड्यूटी लग रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी तक कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई जिसमें रेल आदि रोकी गई। देखिए, कुछ लोग जो पहुंच जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पे स्टेशन के बाहर ही पुलिस बल द्वारा उनको समझा दिया जा रहा है और वहीं पर उनको ज्ञापन ले लिया जा रहा है, और इसी के चलते अभी तक कोई इस प्रकार की घटना हमारे यहाँ रेल रोकने की नहीं हुई। सर, आपका परिचय? मैं पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज। और जो आदेश मिल जाए पूरे देश में, आप लोगों की तरफ से एक आह्वान किया गया था जी रेल लोको आंदोलन को लेकर के, प्रयागराज में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है प्रशासन से बात करने के बाद? प्रशासन से बात करने के बाद हम लोगों ने जो प्रशासन का से जो वार्ता हुई है वो सिर्फ इस बात पे वार्ता हुई है कि जो हम लोग अचानक जाकर रेलवे ट्रैक पे बैठ जाते थे या एक व्यक्ति जाकर रेलवे ट्रैक पे बैठ जाता था, तो इससे कोई घटना ना हो, कोई अप्रिय मैसेज ना जाए, इसलिए ये मीटिंग हुई थी। आज आप लोगों के कार्यक्रम क्या क्या हैं, किस तरीके से आंदोलन को रूपरेखित किया गया है? आंदोलन तो जो था वो ऊपर से कॉल आई थी कि आज रेल रोकनी है, और हम लोग रेल रोकने की ओर तत्पर भी हैं, बढ़ भी रहे हैं। 90% कार्यकर्ता होम अरेस्ट कर लिए गए, घर पर ही बंधक बना लिए गए। उसके बाद भी हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे, जहाँ तक हमारी क्षमता होगी, हमें बल होगा, वहाँ तक हम जाने का काम करेंगे। और प्रशासन रोकना चाहती है, दबाना चाहती है, सरकार दबाना चाहती है किसान की आवाज़, हम दबने का काम नहीं करेंगे। हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम करेंगे और चलाते रहेंगे। शनि शुक्ला, युवा जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज।
जाना चाहते हैं रेलवे स्टेशन आप लोग रोक क्यों रहे जनता को लड़ाई लड़ रहे हैं आपको तो आने नहीं चाहिए था जवान को जब तक मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है बोलू तुम्हें संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है किसान यूनियन की काल थी रेल रोकने का, लेकिन यह टिकैत पार्क थे बाबा टिकैत पार्क के लोग इकट्ठे हुए वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पे चौराहे पे रोक के ये शंभुनाथ तिराहा है यहीं पे रोक के इनका ज्ञापन ले लिया शांति फिर अपने टिकैत पार्क में चले तो वहाँ से सर आगे भी कोई अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था भी सारा दिन की लगी रहेगी कुछ रहेगा? हाँ हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी हम अलर्ट रहेंगे। अभी तक इनसे बातचीत भी हुई है कोई समस्या नहीं है लाइन आर्डर कोई समस्या नहीं आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका शांतिपूर्ण विरोध था और वो निपट गया है। आगे कोई बात होती है तो हम अपनी जो है कानूनी कार्रवाई सर परिचय परिचय सर मैं सुधीर कुमार क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन।